साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। गाजा में जमीनी जंग का मोर्चा संभाल चुकी इजराइल की सेना की कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, और जिसमें इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर भीषण जमीनी जंग लड़ते हुए दिख रहे हैं। इजरायली सैनिक हथियार और कई टैंकों के साथ गाजा पट्टी पर तैनात दिखाई दिए। इन तस्वीरों को IDF ने जारी किया है। IDF के मुताबिक हमास के खिलाफ गाजा पट्टी पर जमीनी ऑपरेशन तेज हो चुका है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन अब वहां पे तेज है। तो गाजा में इजराइल के टैंकों की तैनाती नजर आई है। IDF की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई है। इजरायली सेना ने जंग तेज कर दी है और अब जमीनी हमला वहां किया जा रहा है। जमीनी जंग के लिए किस तरीके से इजराइल की सेना तैनात है, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है गाजा पट्टी के अंदर से। और युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दुनिया के सामने पहली दफा वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिख रहे हैं, और ये वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है। ये हमास के सीक्रेट सुरंग की कुछ तस्वीरें, और जहां हमास आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर के साथ साथ इसराइल की सेना के साथ और उनके ऊपर हमला करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में हमास आतंकी सीढ़ी के जरिए पहले सुरंग से बाहर आते दिखाई देते हैं और फिर ग्रेनेड लॉन्चर से निशाना लगाते हैं, और निशाना लगाकर इसराइल के टैंक पर वार करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में हमास दावा कर रहा है कि उसने इसराइल के एक टैंक को ग्रेनेड लॉन्चर से तबाह कर दिया है, और इसके बाद हमास आतंकी का एम्बुश अटैक यानी घात लगाकर हमले का भी वीडियो दिख रहा है, जिसमें हमास आतंकी झाड़ियों में छिपकर इसराइल के सैनिकों पर वार कर रहे हैं। और खुले आसमान के नीचे हमास की सीक्रेट सुरंग का ये वीडियो पहली बार सामने आया है। इससे पहले लगातार हमने सुरंग की बातें सुनी थी, किस तरीके से सुरंग का जाल वहां फैला है। इधर इसराइल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा सामने आया। जनरल एदित कोहेन ने दावा किया कि उनकी डिवीजन यानी कि करीब 10,000 सैनिक जो उनकी डिवीजन में हैं, गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, खासकर हमास के सुरंगों के जाल को तोड़ना इस वक्त इजरायली सेना की सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला जिसके बाद पूरा इजरायल हैरान रह गया है। सुरंग का दरवाजा खुला, हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया, झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया, बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इसराइल के टावर में आग लग जाती है। हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भाग कर सुरंग के अंदर समा जाते हैं, और बॉर्डर के इस पार इसराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इसराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं।
यही वजह है कि इसराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इसराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इसराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इसराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इसराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इसराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इसराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहां तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इसराइल में भी खुलता है, जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है।